नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दिल से दिल तक में। और आप बताइए कैसे हैं। काफ़ी समय बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, और जो मैं आज वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ वो एक तावीज़ पर है। एक तावीज़ मुझे कुछ दिनों पहले मिला है, और यकीन जानिए ये तावीज़ बहुत बेशकीमती है, अनमोल है। मुझे इसने बहुत फ़ायदा दिया है और आशा करती हूँ आपको भी ये बहुत फ़ायदा देगा। तो आइए मैं आपसे वो तावीज़ शेयर करती हूँ। ये मैं आपसे एक कहानी के रूप में शेयर करूंगी। एक बार क्या होता है, एक परिवार की बहू होती है, जॉइंट फैमिली की बहू होती है, वो जब से शादी करके घर में आई होती है वो देखती है कि जिस दिन से वो उस घर में आई है, कभी उसकी नंद के साथ, कभी सास के साथ, कभी पति के साथ, कभी देवर के साथ, कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है। मतलब बहस हो जाती है या कुछ ऐसा हमेशा माहौल बना रहता है, खिच-खिच सा आर्ग्यूमेंट का। तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि सुकून नहीं है, शादी हो गई तो ये जो रिश्ते हैं मेरे से संभल नहीं रहे, मैं क्या करूं। तो वो एक मौलवी के पास जाती है, मौलवी जी से बताती है कि मौलवी जी मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे मेरे भी शादी को एक साल हुआ है और मैं इन सब चीज़ों से गुजर रही हूँ कि मेरे घर में बहुत बहस होती है, कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि कलह तक आ जाती है, कभी नंद से, कभी सास से, कभी देवर से, कभी पति से। तो मुझे आप कोई तावीज़ या कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि मेरे घर में अमन शांति बनी रहे, प्यार का माहौल बना रहे। तो मौलवी जी उसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, मगर उस तावीज़ का एक नुस्खा है, वो नुस्खा मैं बताता हूँ तुम्हें, मगर तुम्हें उस नुस्खे को हमेशा फॉलो करोगी तो तभी वो फ़ायदा देगा। अगर उस नुस्खे को तुम फॉलो नहीं करोगी, जैसे मैंने बताया उसे इस्तेमाल नहीं करोगी, तो वो तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा। तो वो जो नवविवाहिता होती है वो कहती नहीं नहीं मैं वैसे ही उस नुस्खे को इस्तेमाल करूंगी जैसे आप बताएंगे। तो मौलवी जी कुछ पर्ची पे कुछ लिखते हैं, उसको जैसे हम तावीज़ को लपेटते हैं वैसे लपेटते हैं और उसको वो तावीज़ दे देते हैं, और कहते हैं आपको ये ध्यान रखना है, इस तावीज़ को आपने कब इस्तेमाल करना है, जब आपके घर में आपकी किसी से बहस शुरू हो, चाहे वो देवर है, आपकी सास है, आपकी नंद है, आपका पति है, वो जैसे ही बहस शुरू, आपको लगे कि अब माहौल ऐसे गरमा रहा है या बहस शुरू होने जा रही, तो तुरंत उस तावीज़ को आपको अपने दांतों के नीचे रखना है। यही नुस्खा है, बस यही आपको इस्तेमाल करना है। तो वो समझ जाती है, वो तावीज़ लेके घर चली जाती है और वो उस तावीज़ को फिर उस नुस्खे को अपनाती है। वो जब भी कुछ ऐसी बहस या कुछ ऐसा गर्मा गर्मी वाला माहौल बनता है, वो तुरंत वो तावीज़ निकालती है और दांत के नीचे रख लेती है। तो देखती है वो धीरे धीरे कि क्या होता है कि बहस जो होती है वो बंद हो जाती है घर में, कि जब भी कोई बात होती है या कोई गुस्सा होता है या कोई ऊंचा बोलने लगता है तो वो तुरंत तावीज़ जो होती है वो मुंह में दांतों के नीचे रख लेती है। तो उसको सामने से भी रिस्पांस आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो वो जाती है कुछ सवा महीने बाद मौलवी जी के पास, जैसे उन्होंने बुलाया होता है, तो मौलवी जी से बताती है कि हाँ आपका तावीज़ काम कर रहा है, आपका नुस्खा काम कर रहा है, जैसे ही मेरे घर में कुछ ऐसा गर्मा गर्मी का माहौल होता है तो मैं वो तावीज़ जो है अपने दांतों के नीचे रख लेती हूँ, तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो वो मगर जानना चाहती है कि मेरी एक ममेरी बहन है, उसके घर में भी ऐसे है, तो वो भी वो तावीज़ चाह रही थी, मगर मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि नुस्खा क्या मैं उसको दे सकती हूँ या मैं आपके पास लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नुस्खा तुम उसको तुम ही दे सकती हो, मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब इस नुस्खे को लोगों के साथ शेयर कर सकती हो क्योंकि तुमने इसको आजमा लिया है और तुमने इसको जीत लिया है, तो तुम इसको शेयर कर सकती हो किसी के साथ, किसी को भी नुस्खा बता सकती हो। तो वो पूछती है कि मौलवी जी आप बताइए, मैं अपनी मेरी बहन को भी वो नुस्खा बताऊंगी। तो मौलवी जी उसे बताते हैं कि बेटा जो नुस्खा मैंने आपको दिया है वो सिर्फ यही है कि जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो हमें चुप रहना होता है, हमें खामोश रहना होता है, उसकी बात सुननी होती है, हमें पता है कि वो गुस्से में है और वो गुस्से में बोल रहा है। तो जो मैंने आपको तावीज़ दिया है उस तावीज़ का बस यही काम है कि वो आपको चुप रहने को कहता है, क्योंकि वो आपको दांतों के नीचे रखनी है, तो जब दांतों के बीच में रखनी है तो आप बोलेंगे नहीं, आप चुप रहेंगे, जो सामने वाला है वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा, दस बार बोलेगा, वो ये कहेगा ये तो जवाब नहीं देती पलट कर, तो मुझे जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ या जो मैं गुस्सा कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ वो व्यर्थ है, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो भी अपने आप चुप हो जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि हम गुस्से में अक्सर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता है, गुस्से में बोल देते हैं। तो सिर्फ यही नुस्खा है और तुम अपनी मेरी बहन से ये चीज़ शेयर कर सकती हो, तो मैं भी आपसे ये चीज़ शेयर कर सकती हूँ। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप भी, हम सब वो तावीज़ जो है उसको अपने दांतों के बीच में, दांतों के अंदर दबाएं, जब हमारे सामने वाला कोई भी जो हमारा अपना है, हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी है, हमारा कलीग है,
हमारा रिश्तेदार है, हमारा माँ बाप है, बहन भाई है, या हमारा कोई पति या पत्नी है, तो हमें उस समय चुप रहना है जब वो गुस्से में कुछ भी बोल रहा है। वो तावीज़ जो है वो अदृश्य तावीज़ है, कोई तावीज़ ऐसे नहीं है, मगर हाँ उस जो वो लड़की गई थी, नवविवाहिता गई थी मौलवी जी के पास, उसको सिखाने के लिए उन्होंने वो तावीज़ बना के दिया था, क्योंकि जो तावीज़ जादू मंत्र है ये जल्दी काम करते हैं। तो मगर जो एक अदृश्य तावीज़ है ये हम लोग आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि ये हम अपने दांतों के तले, दांतों तले रखें, और जब भी घर में या कहीं पे भी, ऑफिस में, सड़क पे, कहीं पे भी हम होते हैं, हॉस्पिटल में, बैंक में, कहीं पे भी ऐसा माहौल देखें, तुरंत वो जो अदृश्य तावीज़ है वो हम अपने दांतों के नीचे रख लें कि चुप रहना है, मुझे बोलना नहीं है, गुस्सा जो सामने वाला कर रहा है तो मुझे नहीं बोलना है कुछ भी, मुझे रिश्ते को भी बचाना है, माहौल को भी खराब नहीं होने देना है, और अपना जो मेरा काम है मुझे वो भी निकलवाना है, और घर में अगर है तो घर का भी माहौल जो है प्यार वाला, सौहार्द वाला बना के रखना है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ये जो अदृश्य तावीज़ है ये आप ज़रूर सबसे शेयर करें और इसका इस्तेमाल करें और ये नुस्खा सबसे शेयर करें। तो मैं चलती हूँ, आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, गले में खरखराहट है, और खुश रहिए, हमेशा व्यवस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार, शुक्रिया।